पूरा दिन चलती रही। जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ पुंछ के सिंदरा इलाके में हुई है। सुरक्षा बलों को सोमवार शाम को सिंदरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है और इसे सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट पहुंची है पाकिस्तान को। आज इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। फायरिंग पूरा दिन चलती रही। जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। तो एक बार फिर से इनकाउंटर हुआ जम्मू कश्मीर में और एक बार फिर से पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उन्हें नापाक किया गया है, नाकाम किया गया है। और बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस इनकाउंटर पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कर्नल SS पठानिया जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। कर्नल SS पठानिया जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, दोनों का बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं कर्नल SS पठानिया जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पुंछ में जो इनकाउंटर हुआ है, सोमवार को इनकाउंटर, मंडे को शुरू होता है और पूरा दिन यह इनकाउंटर चलता है और फिर मंगल की सुबह यानी आज सुबह यह इनकाउंटर खत्म हुआ है, 4 मिलिटेंट मारे गए। किस तरह से आप इसे देखते हैं? जहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी पाकिस्तान को दिखती है, क्योंकि पाकिस्तान नापाक हरकत करने के लिए बिल्कुल एक तरह से बेचैन रहता है, और जहां पर उसे थोड़ी सी मोहलत मिलती है, कहीं पर भी उसे कोई इशारा मिलता है और वो नापाक हरकत करने के लिए तैयार रहता है। देखिए सर, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं सुरक्षा बलों को, जिसके अंदर हमारी बहादुर आर्मी भी है और पुलिस भी है JKP, उनको मुबारकबाद देता हूं इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। जी, इस ऑपरेशन की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार पिछले 8 दिनों के अंदर पुंछ और रजौरी सेक्टर के अंदर 9 जो मिलिटेंट थे, या तो वो अंदर आके पकड़े गए या वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, उनको हलाक कर दिए। अभी क्या वजह है कि ये पाकिस्तान जो है इतना डेस्परेट क्यों है और क्यों वो ये गलती कर रहा है कि जहां पर उसके मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेशन होने में असफलता मिल रही है, बार बार वहां से पुश क्यों कर रहा है, ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर हम 8 दिनों में 9 मिलिटेंट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में मारे गए हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी जो प्रॉब्लम है वो जो मैं विजुलाइज कर सकता हूं वो ये है कि कश्मीर में उनको इन्फिल्ट्रेशन में सक्सेस नहीं मिल रही है। जहां तक IB का सवाल है, वहां भी उनको ये लग रहा है कि हमारे इन्फिल्ट्रेशन की जो पॉसिबिलिटीज है उतनी ज्यादा पुख्ता नहीं है। और पुंछ और रजौरी, उनको एक ऐसा कॉरिडोर नजर आ रहा है जिसके अंदर वो डेस्परेटली अपने मिलिटेंट को पुश कर रहे हैं विद द एम ऑफ फाइनली इंडक्टिंग देम इन द कश्मीर वैली। अभी ये क्यों हो रहा है, ये दूसरा सोच का विषय है। क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये इंटेलिजेंस एक उनको मिली थी, अभी वो इंटेलिजेंस किसने दी है? नॉर्मल किसी शहरी ने दी है। उसके बाद इन्होंने उस एरिया के अंदर ड्रोन लॉन्च किया और ड्रोन जब लॉन्च किया तो ये लोग पकड़े गए और उसके बाद ही सारा एक्शन हुआ है। तो ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो कितनी हमारी मदद करेगी मिलिटेंट का जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको चेक करने के लिए। और ये भी दर्शाता है कि हमारे जो लोकल हैं वो किस हद तक इनके बारे में इंटेलिजेंस देखे इनको पूरी तरह से नेस्तो नबूद कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप ये मान के चलिए कि वो इससे बाज आने वाले नहीं है, उनकी चाहे इंटरनल सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन वो कश्मीर जो उनकी एक अम्बिलिकल कार्ड है उसके पीछे वो अपने
नापाक इरादों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जहां भी उसको मौका मिलेगा वो अपने मिलिटेंट जो है इन्फिल्ट्रेट कराएगा। तो बिल्कुल पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे उन मंसूबों पर एक तरह से पानी फिर गया है और सुरक्षा कर्मियों ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई एक तरह से और सफलता उन्हें हाथ लगी है। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देता हूं। माजिद हैदरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, और एडवोकेट आर एस पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी जी और एडवोकेट आर एस पठानिया जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपसे के पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सर हम देखते हैं कि इस तरह के इनकाउंटर होते हैं और जो ये इनकाउंटर पुंछ का हुआ है इसमें फॉरेन जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा कर्मियों की एक तरह से कही जाएगी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म हो, टेररिज्म जो है वो खत्म हो, लेकिन उस पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है, कोई प्रशासन और सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जाते हैं तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसी पर नुक्ताचीनी करती हैं। नहीं, इस मामले में अबू हुरैरा साहब कोई भी नुक्ताचीनी नहीं करेगा, कोई भी उंगली नहीं उठाएगा जी। अमन सब चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में रजौरी पुंछ इससे पहले बहुत अरसा तक बहुत पीसफुल एरिया रहा है, अब ये अक्रास्ती बॉर्डर जिस तरह हमारे कर्नल साहब ने कहा है कि उनकी कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है उनका, मुझे समझ में नहीं आया कि वो अब रजौरी पुंछ को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें भी तैयार रहना है। और ये कामयाबी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन को किस तरह रोका जा सकता है उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह करण साहब ने कहा, टेक्नोलॉजी भी हमें काम आती है, ड्रोन काम आता है, दीगर भी जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो इसके लिए काम आती है, लेकिन ये एक चीज को मान के चलना पड़ेगा कि हम अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो भी बनाते हैं उसके मुखालफ, और उसमें हमारे एरिया के पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि भाई कोई जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वो हमारी जो एजेंसीज हैं वो उस पर गौर करेंगी कि आखिर ये एरिया उनका टारगेट क्यों बना। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में पहले जो इनकाउंटर किया गया यहाँ ढांगरी में, हमारे बेगना शहरी जो है वो जान गवा बैठे, फिर हमारी जो गाड़ी पे हमला हुआ, हमारे फौजी जो हैं वो अपनी जान गवा बैठे, शहीद हो गए। तो ये चीजें जो हैं ये दर्शाती हैं कि उनकी इस वक्त कंसंट्रेशन या फोकस जो है वो हमारे जम्मू प्रोविंस की तरफ हो गया है। उसके पीछे रीजन क्या है वो वही जान सकते हैं या हमारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो जान सकते हैं, मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकता। बहरहाल हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो अमन चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रजौरी पुंछ में जितने भी सिविलियंस हैं कोई भी नहीं ये चाहता नहीं, है, लेकिन इन आतंकियों को इन दहशतगर्दों को जो सपोर्ट है वो तो लोकल सपोर्ट मिलता है, ओजीडब्ल्यू जिन्हें कहा जाता है। आप कल ही देखिए, कल एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्यारों को भी एक तरह से पकड़ा गया कि वो इस तरह की हरकतों में शामिल थे। तो इस पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है कि जो दहशतगर्दों के मददगार हैं उन पर जब कार्रवाई होती है, दहशतगर्दी आखिर खत्म कैसे होगी? जब उनके मददगारों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, तभी तो दहशतगर्दी खत्म होगी, लेकिन उस पर आप ही लोग सवालिया निशान लगाते हैं। मुजफ्फर साहब, अबू हुरैरा साहब, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए कोई भी आदमी जो है वो उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई। बहरहाल एक्सेसेस हर जगह, वो जहां भी कन्फ्लिक्ट जोन है तो वहां एक्सेसेस होती हैं, जब एक्सेसेस होती हैं तो हर आदमी, हर शहरी उस पर एतराज करता है, लेकिन अगर एक्सेसेस नहीं है, जिस तरह इस ऑपरेशन में कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है अभी कर्नल साहब भी ये कह रहे थे कि किसी लोकल सिटीजन ने इन्फॉर्म, जब तक के लोकल सपोर्ट नहीं होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस जितना मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी काम कर लें, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये तो आप अगर एक तरफ, मैं नहीं कहता कि सपोर्ट नहीं होगी, हो सकता है टैसिट सपोर्ट भी होगी, कुछ लोग, इसमें दो किस्म की सपोर्ट है,
एक है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट आपको हमारे एरिया में तो नहीं मिलेगी, जिस तरह जम्मू पुंछ रजौरी हो गया तो यहाँ इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरी सपोर्ट है, कभी कभी वो लालच देते हैं लोगों को, गरीब लोग, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके जिनके लिए दो टाइम का खाना मुश्किल है, उनको कोई लालच दे देते हैं, वो लालच में फंस जाते हैं। तीसरा है डर के मारे, बाजोकात ऑन द बॉयनेट ऑफ गन दे आस्क यू टू प्रोवाइड फूड। रात को वो किसी के घर जाते हैं, अगर क्योंकि मैं उस दौर से भी गुजरा हूं, 90s का दौर, कि जब वो रात को गन लेके आ जाते थे तो हमें कहते थे हमारे लोगों को खाना दे दो भाई, मुर्गा बना के दे दो भाई। तो गन पॉइंट पे अगर वो नहीं बनाते थे तो गोली मारते थे, क्योंकि वो तो किसी रूल रेगुलेशन के पाबंद है नहीं, बिल्कुल उनको तो कोई ट्रायल नहीं कर सकता अगर वो किसी को मार देते हैं। तो वो तो सिचुएशन को टैकल करना है, उस वक्त अगर आपकी जान बच गई तो बच गई, अगर आपने कहा मैं नहीं बना सकता तो अगले मार देंगे। चलिए, वो एक मजबूरी हो सकती है। ठीक है, देखिए आपने 90s के दौर का भी जिक्र किया, उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार कह रही है कि आजकल के हालात जो है पहले से बहुत बदले हैं, जम्मू कश्मीर बदल गया है, तो इस पर भी हम मुजफ्फर साहब आएंगे। मैं एडवोकेट आरएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। आरएस पठानिया जी, किस तरह से देखते हैं इस एनकाउंटर को? आप देखिए कि ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया, क्योंकि आतंकवादी जो है वो भी बहुत चालाक है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से कर्नल SS पठानिया जी कह रहे थे। तो अब इन आतंकवादियों से बढ़कर हमारा जो दुश्मन है उससे बढ़कर कहीं आगे से हमें सोचना होगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले तो भारत के सुरक्षा बलों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक कामयाब ऑपरेशन किया है और 4 के 4 आतंकवादियों के मौत के घाट उतारा है। बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इस ऑपरेशन का इनपुट था जैसा बताया गया है, और इस इनपुट का पूरा, जिसे कहते हैं पूरा पूरा, इसका फायदा लेते हुए एक बहुत बड़ा तमाचा है आतंकवाद पे और आतंकवाद के आकाओं पे। मैंने पहले ही कहा कि ये पहले ढांगरी वाला, फिर पट्टा डोरिया वाला, रजौरी पुंछ वाला जो क्षेत्र है, ये थोड़ा आतंकवाद के लिए बॉर्डर पार से एक कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे फिर दोबारा आतंकवाद को, आज 90 वाली वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन आज फिर एक कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे आतंकवाद को फिर बढ़ावा दिया जाए, लेकिन बड़ी जांबाजी के साथ, बड़ी ही दानिशमंदी के साथ और बड़े ही एक प्रोफेशनल, जिसे कहते हैं डिस्प्ले में, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो अचीवमेंट ली, इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें सराहा जाना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे पैनलिस्ट भी कोई 2 शब्द उनके, जिसे कहते हैं इस प्रोफेशनल एक अचीवमेंट के, जिसे कहते हैं फेवर में बात करेंगे, लेकिन हुई नहीं। चले कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे शायद सेकेंड राउंड में इसको सराहें। 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद, आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवाद फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग या टेरर प्रमोशन या इसके साथ साथ इंडॉक्ट्रिनेशन, जिसे कहते हैं ब्रेन वॉश करके लोगों को तैयार करना, तो इसमें एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं स्पेस कम हुआ है। और भारत सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो अगेंस्ट टेररिज्म है, इसने रिजल्ट जिसे कहते हैं दिए हैं। और पाकिस्तान इस रिन्यूड प्रेशर में, जो नया प्रेशर उन पर आया है, और खासकर विशेषकर जो उनके जो टेरर कैंप्स हैं, अब नया मॉड्यूल, जैसे मैंने जैसे देखने में आ रहा हाइब्रिड टेररिज्म या ये ड्रोन वाला जैसे मॉड्यूल आप कह रहे हैं, और इन सब के साथ साथ अपने OGWs को यूज करके, लोकल सपोर्ट आई डाउट इट, कहीं भी मिलिटेंसी को नहीं है, लेकिन OGW जो पेड उनके जो कार्यकर्ता हैं लोगों को लेके इस तरीके की हरकतें और हिमाकतें करने में हमारा पड़ोसी मुल्क चल रहा है। लेकिन हमने पहले भी कहा कि जैसे एक मेन स्ट्रीम, जिसे कहते हैं एक जो रेगुलर एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म थी, उसको हमने काउंटर किया, इस फॉर्म ऑफ टेररिज्म को भी हम काउंटर करेंगे। आपके चैनल पर बार बार हमने ये स्टैंड लिया है, और आज की जो ये सक्सेस है, ये इसी का एक बहुत बड़ा नमूना है। मैंने कई बार कहा कि 10 ऑपरेशन होते हैं, 9 हम पकड़ लेते हैं, एक अगर नहीं जाता ठीक है। ठीक है, माजिद हैदरी जी, जो बात यहां पर एडवोकेट आरएस पठानिया जी कह रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर है या दहशतगर्दी पर जो एक काउंटर किया है मौजूदा सरकार ने, क्या आपको लगता है कि वाकई में 2019 का जिक्र कर रहे थे आरएस पठानिया जी, क्या आपको लगता है कि 2019 के बाद से वाकई में हालात बहुत ज्यादा बदले हैं और एक बड़ा सक्सेस मिला है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को? अबू रहना साहब, मेरा एक अलग मौकफ है इस पूरे मामले में। मेरा ये मानना है कि और 5 अगस्त 2019 के बाद जी, 1990 से पहले और 1990 के बाद, अभी तक अगर जम्मू कश्मीर में किसी 2 एजेंसीज ने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से, अपना खून पसीने की मेहनत से किया है और दिल्ली की तरफ ईमानदारी से किया है, तो वह हमारी इंडियन आर्मी ने किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है।
ये आज सिर्फ आज पुंछ का मामला नहीं है, इतने 30 साल में जो कुछ हुआ, जब भी कोई ईमानदारी की बात, खून पसीना अपना देने की मुल्क के लिए बात आई है, तो आर्मी और पुलिस जम्मू कश्मीर के साथ साथ रही। और मैं ये आज आपके चैनल पे नहीं कह रहा, ये मैं सब चैनल्स पे कहता हूं, बल्कि मैं तो कह रहा था, मेरी तो तजवीज सरकार को ये थी कि अगर आप यहाँ हालात बेहतर करना चाहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, तो आप 2-4 साल के लिए जम्मू कश्मीर को आर्मी के हवाले कर दो, पूरा आर्मी के कंट्रोल में दो, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन, एक ईमानदारी वाला डिसिप्लिन लाएंगे जो हमारे पास मिसिंग। अब देखिए जो मामला, जो जम्मू का जो मामला है बिलखसूस में, देखिए एक चीज को आप यहाँ पे कामयाबी बताएं, लेकिन आप देखें जम्मू के आप डायनेमिक्स इसी 1-1.5 साल के देखें। देखिए एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से हमला हुआ, आज आप ड्रोन की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एयरफोर्स बेस पर जम्मू सिटी में ड्रोन से हमला हुआ। अभी जितने भी आर्म्स ड्रॉपिंग के केस आ रहे हैं, आर्म्स और एम्यूनेशन ड्रॉपिंग के, नार्को टेरर के केस आ रहे हैं, उसके पीछे क्या है, ड्रोन है। वो कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, जम्मू में हो रहा है। जो पहला परफ्यूम बॉम्ब जो जम्मू कश्मीर में रिकवर हुआ, कहां हुआ, अभी इसी साल जम्मू में हुआ, फरवरी के महीने में। जो हमारी मेजर गन फाइट्स हुई सिद्रा के नजदीक जो हुई, जो आउटस्कर्ट्स में, जम्मू आउटस्कर्ट्स में हुई, जम्मू में हुई। उससे पहले जो पिछले साल जो उधमपुर के नजदीक टोल प्लाजा के पास, फिर से जम्मू में हुई। तो ये जम्मू का जो मामला बनते जा रहा है, और कश्मीर में भी जो एक कशीदगी है, देखिए उसमें एक बात होती है ना, एक बात कहते हैं कि डंके की चोट पे पॉलिसी क्या है। बदकिस्मती यह है कि पठानिया साहब बात करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जी हमारी भाजपा की सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर इतना ज्यादा अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, या ड्रोन के थ्रू सिनिस्टर डिजाइन चलते हैं, कॉन्स्पिरेसी चलती है, हर रोज चलती है, कभी कुपवाड़ा से चलती है, कभी पुंछ से चलती है, तो आप मुझे बताएं खुदारा, क्या आपने पिछले 1 साल में भाजपा की सरकार से कोई एक ठोस स्टेटमेंट सुनी पड़ोसी मुल्क के मुतालिक? बिल्कुल नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नहीं आती, क्योंकि हमारी सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि अभी 15 अगस्त आएगा तो 15 अगस्त के दिन हमारी सेना को यह आदेश दिया जाएगा भाजपा की सरकार से कि आपने पड़ोसी मुल्क की सेना को मिठाई देनी है, वहां चाशनी की नदियां बहती हैं अटारी में और वाघा पे 15 अगस्त के दिन, क्योंकि भाजपा की वो पॉलिसी है। तो बेसिकली चलिए जम्मू कश्मीर के आरएस पठानिया जी इसका जवाब दे रहे हैं, नहीं माकुल सवाल इसका जवाब दे रहे हैं, पठानिया जवाब दे रहे हैं। जी एक बड़ी सवाल रिपीट करेंगे, मुझे आवाज माजिद हैजरी साहब की प्रॉपर नहीं आई जरा। नहीं, माजिद साहब ने बहुत अहम बातें उन्होंने कही कि 2019 के बाद आप दावा करते हैं कि मिलिटेंसी में कमी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकाउंटर में बड़ी कामयाबी मिली, ये तो हमारे जवानों की एक बहादुरी है, और लेकिन जम्मू में ये वारदातें बढ़ी हैं, जम्मू में आप देखिए कि इस तरह के बहुत से अटेम्प्ट हुए हैं। देखिए मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, ओवरऑल जो टेररिज्म मापने के जो मापदंड हैं उनके साथ अगर आप जम्मू कश्मीर को एग्जामिन करें, एनालाइज करें, तो एक बहुत बड़ा एक 170% का डिक्रीज है टेररिज्म एक्टिविटीज में। इस 5 अगस्त 2019 के प्रेशर में जो बॉर्डर पार से जिसे कहते हैं जो शरारती तत्व और बेसिकली पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, जम्मू का जो अदरवाइज पीसफुल एरिया है जिसमें विशेषकर रजौरी पुंछ में एक नया माहौल बनाने की कोशिश की है, मैंने कहा पहले ढांगरी फिर पाटा डूरी है। घेरा मार के उनको मौत के घाट उतारा गया है, और ये माजिद जी आप बीच में बोल सकते हैं, बिल्कुल इंटरप्ट कर सकते हैं आप। माजिद हैदरी जी मेरा सवाल बहुत सिंपल है, स्पष्ट है, भाजपा की सरकार की आरएस पठानिया जी माजिद जी का सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे थे कि सवाल उनका नहीं सुना, उनका सवाल सुन लीजिए माजिद हैदरी का। पठानिया साहब मेरा सवाल बहुत सिंपल है, सुने आपका आवाज जनाब, मैं सवाल दोहराता हूं बड़े रुक रुक के बताऊंगा मुझे तो वो ठीक है। सुने जी पठानिया साहब मेरा सवाल बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा आपको, मेरी आवाज नहीं आ रहा, चलिए अबू हुरैरा साहब आपको मेरा सवाल रिपीट करके बताएंगे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, इतना कुछ पड़ोसी मुल्क की तरफ से हो रहा है, इसका सारा रिमोट कंट्रोल पड़ोसी मुल्क की तरफ से है, भाजपा की सरकार खामोश क्यों है पड़ोसी मुल्क के मुतालिक? एक भी स्टेटमेंट भाजपा की सरकार की तरफ से क्यों नहीं आती? ये पठानिया साहब क्यों बात करते हैं, भाजपा की सरकार बात क्यों नहीं करती? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आरएस पठानिया जी सुना आपने सवाल? जी प्लीज रिपीट करें सवाल, क्या कहना है? देखिए माजिद हैदरी साहब ने कहा कि पड़ोसी मुल्क को लेकर आप में कोई एक्शन नजर क्यों नहीं आता है, सरकार में कोई एक्शन नजर क्यों नहीं आता है? हाँ, अच्छा सवाल पूछा माजिद हैदरी साहब। ये मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो घर में घुसके की भी मारती है, सर्जिकल स्ट्राइक्स और जो एयर स्ट्राइक्स का जो मॉड्यूल था वो भारतीय
जनता पार्टी की रूलिंग सरकार और मोदी सरकार के दौरान ही पहले बारी दिखने को पाया गया, वरना भारत के जिसे कहते हैं नागरिकों की निर्मम हत्या, चाहे वो मुंबई का 26/11 हो, चाहे वो पार्लियामेंट हमला हो, या चाहे जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली पे किया गया हमला हो, चाहे वो चिट्टी सिंहपुरा या उसके सहते जिसे कहते हैं सिविलियंस के बड़े बड़े मैसेकर हुए हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज पहली बारी सरकार में विल है, सरकार में मंशा है और एक मैसेज साफ और स्पष्ट है कि भारत की ओर, भारत माँ के सपूतों की ओर, भारत के नागरिकों की ओर, दो भी काली नजर से देखेगा, वो आंख भी निकाल ली जाएगी, वो हाथ भी काटे जाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ठीक है, मैसेज है। ठीक है, मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर आर एस पठानिया जी कह रहे थे, जो सवाल माजिद हैदरी ने किया था कि आखिर पाकिस्तान को लेकर इतना नर्म रवैया क्यों है या उस पर सख्ती सरकार क्यों नहीं दिखाती है, जो बात यहां पर आर एस पठानिया जी ने कही है पाकिस्तान को लेकर, पड़ोसी को लेकर, उस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन है? पठानिया साहब ने जो कहा कि 5 अगस्त के बाद ये हुआ, 5 अगस्त के बाद हालात खराब हुए, 5 अगस्त से पहले जम्मू प्रोविंस बड़ा पीसफुल था, उसके बाद ही ये खराब हुए हैं और इसके दो डायमेंशन हैं। अबू हुरैरा साहब, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं इसको क्लियर करूंगा जी। इसके दो पहलू हैं, फर्स्ट ये कि आप इसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन है, आप अपनी बॉर्डरों को इन्फिल्ट्रेशन के लिए फुल प्रूफ कर दें और अपनी जो सिक्योरिटी है एज वेल एज एजेंसीज हैं उनको आप मुतहर्रक कर दें। दूसरा है इंटरनल जो नाराजगी है, आप देखोगे जम्मू कश्मीर में एक नाराजगी है इस वक्त लोगों की, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यहाँ आर्टिकल 370 जिसका कोई हमें कोई पार वालों को आर्टिकल 370 से क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम लोगों का है, आईन ने हमको दिया है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने हमको दिया था, पार वालों को उसका हटाने से या उसको हमें मुराद देने से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है, उन्होंने अपना काम करना है, वो सिक्योरिटी जाने वो जाने, लेकिन यहां के लोकल लोगों की जो नाराजगियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए इससे पहले कि देर हो जाए। बेहतर ये है कि यहां के जो लोकल जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है उनके साथ बैठकर बात की जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो मुराद आपने दीगर बहुत सारी रियासतों को दी हैं, जम्मू कश्मीर को भी दी जा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको टेररिज्म के साथ रिलेट करना, अगर ऐसा है तो 5 अगस्त के बाद फिर आज तक तो कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए था, फिर तो यहां से मिलिटेंसी का कलाकामा हो जाना चाहिए था, टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। अब सिर्फ कहते हो पत्थर नहीं, अरे भाई तुम जब इतनी फोर्स लगा आदमी को सप्रेस कर दोगे उसकी, यहां 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 पत्थरबाजी कोई मसला नहीं है भाई, पत्थरबाजी 90 से पहले भी चलती रही, 1947 के बाद चलती रही, हड़ताल पत्थरबाजी कोई मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड है ही नहीं, मिलिटेंसी के रिलेटेड ये वाकात हैं। पत्थरबाजी तो दिल्ली में भी होती है, बॉम्बे में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, जब लोग हुकूमत के खिलाफ कोई नाराजगी का इजहार करते हैं वहां पत्थरबाजी हो जाती है। अब उसको तो मिलिटेंसी के साथ रिलेट करना कि नहीं जी पत्थरबाजी बंद होगी तो मिलिटेंसी तो वैसी की वैसी ही है, तो उसको इसके साथ रिलेट करके देखना बिल्कुल ये तंग नजरी है, दूर अंदेशी नहीं है। दूर अंदेशी ये है कि लोग नाराज हैं, लोगों की नाराजगी को बैठकर दूर किया जाए, ये अपने लोग हैं, सिटीजन हैं, यहां के इंडिया के सिटीजन हैं, भारत के शहरी हैं, उनके साथ बात की जाए, जिस तरह आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बैठकर बात करते हैं, इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर बात करके उनके साथ जो वादे किए गए, जो उनको मुराद दी गई, आईन ने दी, हमारे मुल्क के आईन ने दी, जिस आईन की हम एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ पार्टीज आज आईन की भी वो एहतराम नहीं करते हैं जो एहतराम उसको करना चाहिए। चलिए तो इस पर बिलीव नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आईन नहीं गलत। जल्दी से आर एस पठानिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि एस एस पठानिया जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ टेक्निकल पॉइंट पे भी समझूंगा जी। बातचीत से हल होगी, लेकिन किसके साथ बात करें, पूरी देश का आल पार्टी डेलीगेशन गिलानी साहब के घर जाता है और वो जिसे कहते हैं गुड़ी मार के दरवाजा बंद करके अंदर, उनके साथ करें? गिलानी साहब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, मेरी बात सुने या उसमें महबूबा मुफ्ती जी से करें, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ जिसके साथ आपकी सरकार थी। मेरी बात सुन ले महबूबा मुफ्ती जी जो आज कहती है कि देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, या फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ करें जो जब पावर से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं चाइना की मदद मांगेंगे धारा 370 के साथ बात
को वापसी लाने में। फारूक अब्दुल्ला साहब को छोड़ दो, आप महबूबा मुफ्ती जी से ही करो जिनके साथ आपने सरकार मिलकर बनाई थी, उन्हीं से करो। या उमर अब्दुल्ला साहब के साथ करें जो कहते हैं एक इंच जमीन भी नहीं मिल सकती बाबा अमरनाथ के शरंगी जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर के लिए। अरे किसके साथ बात करेंगे मुझे बताइए आप, पिछले 60 साल 70 साल सिवाय। मैं कहता हूँ आप महबूबा मुफ्ती जी से करें बात जिनके साथ आपकी सरकार चल रही थी उन्हीं से करें ना। ट्राई टू कम आउट इट, आप उमर साहब की बात क्यों नहीं कर रहे, आप फारूक अब्दुल्ला की बात क्यों नहीं कर रहे, आप शेख अब्दुल्ला की बात क्यों नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, मैं कर्नल एसएस पठानिया जी बहुत देर जाऊंगा। कर्नल एसएस पठानिया जी, सर देखिए ये तो सब सियासी बयानबाजी है, अपोजिशन और सरकार जब बैठते हैं तो अपनी पीठ जरूर इस पर थपथपाते हैं, हालांकि हमारे सुरक्षा कर्मियों की बड़ी सफलता है, लेकिन सर इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, घुसपैठ को लेकर क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो फुल प्रूफ हो कि पाकिस्तान जब जब कोई फेस्टिवल होता है या फिर मौसम खराब होता है या बर्फबारी होती है तो अपनी नापाक हरकतों को एक तरह से अंजाम देता है मंसूबों को, तो क्या इस पर कोई फुल प्रूफ सर इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है कि इसे रोका जा सके? भागों में मैं लूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहां पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर में आपने देखा होगा वहाँ बहुत से नदियां नाले बहते हैं और उनके अंदर देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन द पीरियड ऑफ डार्कनेस। दूसरा, इन्होंने कई बार यहाँ से टनलें बना के भी ये लोग पार करके निकल आए हैं, तो अभी हमारे पास जो फोर्स लेवल है ये सारे एरिया फेंस्ड है, कोबरा वायर भी लगी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या आईबी सेक्टर में हमारा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो फुल प्रूफ है, नहीं है, हो भी नहीं सकते। अभी आप आ जाइए अखनूर के राइट में चले जाइए, पुंछ, रजौरी, नौशहरा, मेंढर, यहाँ पे जो है वो एरिया बड़ा अनहॉटस्पॉटेबल और उसके बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। और जब खराब मौसम होता है तो हम उसको पूरी तरह मैन टू मैन इसकी मार्किंग नहीं की जा सकती। हमारा जो सिस्टम ऑफ डिप्लॉयमेंट होता है वो मान लीजिए कि एक सेक्शन यहाँ डिप्लॉय है, उसके बाद दूसरी सेक्शन उससे 700-800 गज दूर होगी और बीच में नाले बह रहे हैं, एरिया जो इनएक्सेसिबल लगता है जी, तो मैन टू मैन मार्किंग जो है वो इस एरिया में भी बड़ा मुश्किल है और कश्मीर एरिया के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। तो अगर हम कहें कि फुल प्रूफ सिस्टम है, नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, उसके लिए बहुत ज्यादा आर्मी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अभी बात आती है कि ये लोग जब इन्फिल्ट्रेशन करते हैं वो समझना जरूरी है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है इंटरफिल्ट्रेशन की वो कैसे होती है और क्या क्या उसके अंदर लोग जो है वो प्ले करते हैं। सबसे पहले ये जहां भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करना है उनके कैंप हो जाएंगे, उनको ट्रेन कर दिया जाएगा, लॉन्च पैड के पास लिया जाएगा, उनको फेमिलराइजेशन किया जाएगा, उनको एक गाइड दिया जाएगा जो उनको एक जगह तक इन्फ्लेट करके ले आएगा। उसके बाद यहाँ का लोकल गाइड आगे जाएगा, वो उनको जो सेफ रस्तों से लेके इनके जो हर सेफ हेवन बने हुए हैं वहां पे जाके उनको टिका देते हैं। उसके बाद इनके जो सिंपेथाइजर, OGW एंड स्लीपर सेल, ये तीन चीजें तो हैं। अब इनकी उसके बाद कुछ अपने लोग जो पावरफुल पोजीशन में हैं, बिल्कुल, यानी एक लंबी मंसूबाबंदी होती है। मैं क्योंकि कर्नल एसएस पठानिया जी बहुत माजरत के साथ, हमारे पास समय सर नहीं बचा है, सियासी बयानबाजी इस पर ज्यादा हो गई और मैं फिर किसी दिन चर्चा में आपसे इसे और तफसील से समझने की कोशिश करूंगा। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की कमी है, बहुत माजरत। कर्नल एसएस पठानिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, माजिद हैदरी जी और एडवोकेट RS पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। Viewers in